आजकल एक बहुत बड़ी डिबेट हिंदुस्तान में पैदा हो गई है हिंदू धर्म को लेकर। ये जो डिबेट उठी है ये जेन्युइन है और मैं समझता हूं कि सारे हिंदुस्तान को इसमें पार्ट लेना चाहिए। और ये जो कुछ कंफ्यूजन पैदा हो गया है हिंदुइज्म को लेकर, उसको दूर करने का काम भी इस देश को करना पड़ेगा और खास तौर पे उन इंटेलेक्चुअल्स को करना पड़ेगा जो इस बारे में कुछ आगे प्रकाश डाल सकते हों। सारा जो विवाद उठा है वो इसलिए उठा है कि ये माना जाता है कि करीब 4,500 साल पहले कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ। 4,500 साल पहले जब ये महाभारत हुआ तो उस समय सारी, अगर आप गीता को पढ़ें, गीता को ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, गीता को लिमिटेड नंबर ऑफ वर्सेस हैं गीता के अंदर, और गीता लिखी गई है महाभारत के अंत, महाभारत के समय लिखी गई है, जिसमें अर्जुन जो है एक वार्तालाप दिखाया गया है कृष्ण और अर्जुन के बीच में, जहां पर अर्जुन के दिमाग में जो भी शंकाएं, जो भी चीजें उसको क्लियर नहीं हो रही थी, वो बार बार वो कृष्ण से पूछता है और कृष्ण उसका जवाब देते रहते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है और जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जिसका जवाब देना होगा, आप अगर पूरी गीता पढ़िए आपको एक भी शब्द नहीं मिलेगा उसमें हिंदू का। आप सारी गीता उठा लीजिए, उसके बाद आप रामायण उठा लीजिए, रामायण में आपको कहीं नहीं मिलेगा हिंदू नाम का शब्द। तुलसीदास की लिखी हुई है, उसके भी प्रमाण हैं कि एक अयोध्या थी, एक रामचंद्र जी थे, हिंदू शब्द नहीं है। हिंदू नाम का शब्द एक्चुअली कहीं भी नहीं है। हमारे जितने भी वर्सेस हैं, जितने भी हमारे रिलीजियस टेक्स्ट हैं, जितने भी चीज़ों पे हम रिलाई करते हैं, उसके अंदर हमको कहीं भी हिंदू शब्द नहीं मिलता है। इस्लाम का मेंशन मिलता है, इस्लाम की एक किताब है उसका नाम है कुरान, उसमें शब्द इस्लाम लिखा गया है, उसमें लिखा गया है डिवोटी ऑफ कुरान। लेकिन हिंदू धर्म में पहली तो बात यह कि धर्म कितना है और कितना नहीं है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी डिबेट इस देश में होने के लिए अभी है। जो असली चीज जो इमर्ज होकर आ रही है कि अगर आप गीता को पढ़ते हैं तो गीता के अंदर कृष्ण बोलते हैं या ऐसा कन्वे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वसुंधराय कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज ए फैमिली। उस जमाने में जो हमारे पुरखे थे वो ना तो हिंदुस्तान के बारे में उनका कोई ख्याल था, उनका वो सारी दुनिया को एक ही फैमिली समझते थे, और उनका जो फिलोसफिकल जो पूरा का पूरा हमारी सिविलाइजेशन का बेसिस है वो आज भी है। आज भी कहीं भी आपको किसी भी किताब के अंदर ये नहीं लिखा होगा कि इस देश के लोगों को हिंदू में, हिंदू जो इस देश हमारे रहते हैं यहाँ पर, जिसको भारत बोलते हैं, हिंदू बोलते हैं, वो कोई अलग है बाकी दुनिया से। वो देखते हैं इस पूरे दुनिया को एक फैमिली के रूप में। जो डिबेट इस समय पैदा हो रही है वो इस चीज पर पैदा हो रही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
जो शब्द राष्ट्र का यूज किया गया है और जो एक हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो हैं जो एक लाइन खींच रहे हैं कि जो भारत है और जहां पर जिसके लिए वो लोकसभा का प्रोविजन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में कर रहे हैं। लेकिन हम चाहे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में नेशन को समझें, रविंद्रनाथ टैगोर की भी किताब में लिखा है, ओ गॉड लेट माई नेशन अराइज, ए प्रभु मेरा देश उठे। तो ये इस चीज को हम नहीं कह रहे हैं कि कोई भारत नाम का देश नहीं है, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो भारत है इसकी फिलॉसफी क्या है। अगर आप हिंदू स्क्रिप्चर्स को लें, महाभारत को लें और जितने भी लें, तो जो लोग इस पर्टिकुलर एरिया में हैं वो पूरी पृथ्वी को एक परिवार मानते हैं। ये भी हिस्टोरिकली एस्टेब्लिश है कि जो वर्ड हिंदू आया वो उन लोगों से आया जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास जो लोग रहते थे, तो उनको लोग रेफर करते थे, उनको सिंधु से वो वर्ड हिंदू बना। ईरान में कई जगह पर वो बोल रहे हैं हिंदू, वो हिंदू इसलिए उस रेफरेंस से बोल रहे हैं कि उस जगह के लोग, वो जहां वो रिवर बहती है वहां के लोगों को वो हिंदू बोल रहे हैं। ईरान में स्क्रिप्चर्स मिल रहे हैं भारत की संस्कृति के, संस्कृतिक स्क्रिप्चर मिल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले अफगानिस्तान में स्क्रिप्चर्स निकले हैं, अभी उसको खोला नहीं गया है, और उसमें वो बोलते हैं कि जो केव्स हैं अफगानिस्तान की, उसमें जो कुछ जगह पाई गई है जहां पर वो इतनी साइंटिफिक जगह है और उन प्रिंसिपल्स पे बनी हुई है जिससे आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से कनेक्टेड है, क्योंकि आइंस्टाइन ने भी वही बात की कही है अपनी उस रिसर्च के अंदर जो कि अफगानिस्तान की स्क्रिप्चर्स पे लिखा हुआ है। तो ये जो सबसे बड़ा एक प्रश्न है कि अगर मैं हिंदू हूं तो मैं क्या हूं, मैं समझता हूं कुछ चीजों के बारे में हिंदू बिल्कुल साफ है, हिंदू वॉयलेंस में बिलीव नहीं करता, हिंदू रीइंकार्नेशन में बिलीव करता है, हिंदू तरह तरह की संस्कृतियों के साथ चलने की कोशिश करता है, हिंदू कंजम्पशन की लाइफस्टाइल को रिजेक्ट करता है, चाहे वो बुद्ध थे, चाहे महावीर थे, चाहे राम थे, चाहे कृष्ण थे, कहीं पर भी ये जो लड़ाई उनकी थी, वो लड़ाई उनकी कभी भी पैसे के लिए या किसी जगह के कब्जा करने की नहीं थी। हिंदुस्तान की सेनाएं कभी नहीं निकली हैं बाहर, हिंदुस्तानियों का ये कभी नहीं रहा कि हम हिंदुस्तान के, हम सारी दुनिया पे राज करें। उसका एक सबसे बड़ा कारण आपको हम बताते हैं, हिंदू स्क्रिप्चर्स में बार बार लिखा गया है कि यू आर बॉर्न हिंदू, यू कैन नॉट बिकम हिंदू और यू कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू हिंदुइज्म। हिंदू हमारी जो धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है वो जन्म के कारण हिंदू बनता है, बनिस्बत वो किसी और धर्म से कन्वर्ट होकर हिंदू बनता है। तो ये एक बहुत बड़ी डिबेट है, मैं समझता हूँ इस डिबेट के ऊपर हमें आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए और हमारे बच्चों को ये पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके ऊपर सहमति है और जिन चीज़ों पर सहमति नहीं है
वहां पर किस तरह से एक कंस्ट्रक्टिव वे के अंदर सहमति बनाई जाए ताकि हम हिंदुइज्म की जो डेफिनेशन है, इंटरप्रिटेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, उसको एक सही सेंस में समझ सके। थैंक यू।